हमारी इस छोटी सी दुनिया में पक्षियों की हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से कुछ प्रजातियां अपने सुंदर शरीर के लिए जानी जाती हैं, तो कुछ अपनी खास क्वालिटीज के लिए। यहाँ कुछ घास फूस खाकर अपना पेट भरती हैं, तो वहीं कुछ प्रजातियां दूसरे पक्षियों या जानवरों का शिकार करके अपनी भूख मिटाती हैं। ऐसे में आज हम आपके लिए एक ऐसा पक्षी लेकर आए हैं जो सुंदर भी है और खतरनाक भी। इसे जब आप पहली बार देखेंगे तो सोचेंगे कि ये एक शांत पक्षी है, लेकिन जब आपको इसकी हैवानियत के बारे में पता चलेगा तो आपके भी होश ठिकाने नहीं रहेंगे। दरअसल हम जिस पक्षी के बारे में बात कर रहे हैं, इसका नाम है पेलिकन। ये एक ऐसा हैवान है जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक पक्षियों में शामिल किया जाता है। पेलिकन एक समुद्री पक्षी है जो अपनी लंबी और सुंदर चोंच के लिए जाना जाता है। ये अक्सर ही समुद्र के पास अपने शिकार की तलाश में भटकता रहता है, और जैसे ही इसे मौका मिलता है तो अपने शिकार पर टूट पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम आपको पेलिकन पक्षी से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो पाए। सबसे पहले आपको बता दें कि पेलिकन समुद्र के आसपास पाए जाने वाले सबसे सुंदर लेकिन खतरनाक पक्षियों में से एक है। ये अपने बड़े शरीर के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन इसकी असली पहचान इसकी लंबी चोंच से होती है। पेलिकन की चोंच इतनी लंबी और लचीली होती है कि ये इसमें अपने पूरे शिकार तक को रख लेता है। वैसे ये इसके शिकार में कैसे मदद करती है ये आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन पहले जरा इसके शरीर और इसकी क्वालिटीज को करीब से देख लेते हैं। इस दुनिया में इन पेलिकन पक्षियों की करीब 8 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें ब्राउन पेलिकन से लेकर ग्रेट व्हाइट पेलिकन, ऑस्ट्रेलियाई पेलिकन, डालमेशियन पेलिकन, स्पॉट बिल्ड पेलिकन आदि मुख्य हैं। ये पक्षी यूरोप से लेकर एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका तक हर जगह आसानी से देखने को मिल जाते हैं। पेलिकन के बारे में ये कहा जाता है कि इनका अस्तित्व कुछ सालों का नहीं बल्कि करोड़ों साल पुराना है। यहाँ तक कि कुछ समय पहले फ्रांस में एक पेलिकन पक्षी का जीवाश्म मिला था, जिसे देखने के बाद ये बात सामने आई कि आज से करीब 36 मिलियन साल पहले इस धरती पर पेलिकन के जैसे पक्षी पाए जाते थे। वैसे ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये पेलिकन समुद्री पक्षी होते हैं, इसलिए आम तौर पर इन्हें पानी के पास ही देखा जाता है। यही नहीं, ये अपना निवास स्थान भी जल स्रोत के आसपास ही बनाते हैं। दरअसल ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि पानी के आसपास इन्हें अपने खाने के लिए आसानी से भोजन मिल जाता है। पेलिकन के खाने में मुख्य रूप से मछलियों और पानी के छोटे जीवों से लेकर कई पक्षियों और दूसरे जीव तक शामिल होते हैं, लेकिन इन्हें मछलियाँ अधिक पसंद होती हैं, इसलिए ये अक्सर ही उनका शिकार कर अपना पेट भरते हैं। पेलिकन पक्षी अपने बड़े पंखों के चलते उड़ तो अच्छा सकते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही ये बेहद अच्छे तैराक भी साबित होते हैं। मगर इसके अलावा जो बात इन्हें और भी खास बनाती है वो ये है कि पेलिकन पक्षी पानी की सतह से भी उड़ान भरने में माहिर होते हैं। दरअसल इसके पीछे कारण है पेलिकन के पैरों की बनावट, जो किसी झिल्ली नुमा जाली के जैसी होती है, और इसके चलते ही ये बहुत अच्छी तरह से तैर लेते हैं। हालांकि इनके शरीर को देखें तो इसकी तुलना में पेलिकन के पैर बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इन पैरों की ऐसी बनावट का एक नुकसान भी है, और वो ये है कि ये तैर तो काफी अच्छे से लेते हैं मगर जमीन पर चलने में इन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, पेलिकन पक्षी के रहने और खाने के बारे में तो हमने जानकारी हासिल कर ली, तो चलिए अब जरा इन पक्षियों के साइज से आपको अवगत करवा देते हैं। आमतौर पर इन पक्षियों को हमारे आसपास पाए जाने वाले सबसे बड़े पक्षियों में से एक माना जाता है, क्योंकि इनकी ऊंचाई करीब 5 से लेकर 6 फीट के बराबर होती है, जबकि वहीं इनका वजन 10 से लेकर 12 किलोग्राम के आसपास पहुंच जाता है। वैसे देखा जाए तो ये वजन एक पक्षी के लिए काफी अधिक है, मगर इतना वजनी शरीर होने के बावजूद भी ये पक्षी आसमान में कई किलोमीटर की दूरी तक उड़ने में माहिर होता है। लेकिन धरती पर पाए जाने वाले हर पेलिकन के शरीर का वजन और साइज अलग अलग होती है। जैसे अगर सबसे बड़े पेलिकन के बारे में बात करें तो डलमेशियन पेलिकन को सभी पेलिकन में सबसे बड़ा माना जाता है। इनकी ऊंचाई तकरीबन 6 फीट, तो वहीं इनके शरीर का वजन लगभग 10 से 12 किलोग्राम तक होता है। जबकि इसी जगह ब्राउन पेलिकन को इनकी सबसे छोटी प्रजाति माना जाता है, क्योंकि इनके शरीर की ऊंचाई लगभग 3 से 3.5 फीट, तो वहीं वजन लगभग 3 किलोग्राम तक रहता है। इसके अलावा आप ग्रेट व्हाइट पेलिकन को सबसे अधिक वजन वाले पेलिकन और ऑस्ट्रेलियाई पेलिकन को सबसे लंबी चोंच वाले पेलिकन के नाम पर भी याद रख सकते हैं। वैसे अब जब सबसे लंबी चोंच वाले इस पक्षी के बारे में बात हो ही रही है, तो आपको बता दें कि ये पेलिकन अपने सुंदर शरीर के साथ ही अपनी अजीब चोंच के लिए भी फेमस हैं। दरअसल इनकी इसी लंबी चोंच में एक थैली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसकी सहायता से ये अपने पूरे शिकार को भी इसके अंदर पकड़ लेता है। पेलिकन पक्षी की इस चोंच की साइज करीब 20 इंच तक होती है, और जब इसे अपने शिकार को पकड़ना होता है तो ये इसी चोंच में पूरे शिकार को भर लेता है। चलिए आपको ये एक वीडियो के माध्यम से समझाते हैं।
आप इस जगह देख सकते हैं कि दो पेलिकन पक्षी यहाँ समुद्र में खाने की तलाश में भटक रहे हैं। तभी उनमें से एक पेलिकन पानी में अपना मुंह डालता है और अपनी चोंच में एक मछली को भर लेता है। ये मछली इतनी बड़ी है कि उसकी चोंच के अंदर भी साफ दिखाई दे रही है, लेकिन पेलिकन फिर भी उसे नहीं छोड़ता और उसे अपना खाना बनाने की कोशिश में लगा रहता है। आप इसकी चोंच को देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी मजबूत और बड़ी होती है, क्योंकि इतनी बड़ी मछली को ऐसे पकड़ना भी कोई आसान बात नहीं है। वो बेचारी मछली अपनी जान बचाने की कोशिश में लगी रहती है, लेकिन आखिरकार पेलिकन उसे निगल जाता है। हालांकि ये पक्षी केवल मछलियों का ही शिकार नहीं करते, क्योंकि इन्हें अक्सर ही छोटे पक्षियों से लेकर उनके बच्चों तक का शिकार करते हुए भी देखा जाता है। ये अपने शिकार को इतनी चतुराई से अंजाम देते हैं कि बेचारे पक्षी कुछ समझ पाए इससे पहले ही पेलिकन उन्हें अपना खाना बना लेते हैं। जैसे आप इस वीडियो को ही देख लीजिए, यहाँ कुछ पेलिकन आराम से एक गार्डन में टहल रहे हैं। उनके पास ही कुछ कबूतर भी है जो उनके पास आते ही फुदक कर दूसरी जगह बैठ जाते हैं। लेकिन इसी बीच एक पेलिकन अपनी पूरी रफ्तार से एक कबूतर पर टूट पड़ता है और उसे अपनी चोंच में भर लेता है। इसके बाद जहाँ पेलिकन इस कोशिश में रहता है कि कबूतर को जल्दी से जल्दी खाकर अपने पेट की भूख को मिटा सके, तो वहीं दूसरी तरफ कबूतर भी किसी से हार मानने वालों में से नहीं दिख रहा। वो भी इसी कोशिश में है कि किसी तरह पेलिकन की चोंच से बाहर निकलकर अपनी जान बचा सके। हालांकि इन दोनों के बीच जान लेने और बचाने की ये जद्दोजहद काफी लंबे समय तक चलती है, लेकिन आखिर में जीत पेलिकन की होती है और वो कबूतर को अपना निवाला बना लेता है। बेचारे कबूतर ने ये नहीं सोचा होगा कि उसकी मौत इतनी दर्दनाक होगी। इसके शिकार करने के तरीके और इसके चोंच की मजबूती को तो आपने देख ही लिया है, लेकिन साथ ही आपको ये भी बता दें कि पेलिकन वो पक्षी है जिसकी चोंच दुनिया के सभी पक्षियों में सबसे लंबी होती है। यही नहीं, चोंच में थैली लेकर घूमने वाला भी ये दुनिया का एकमात्र पक्षी है। आपने भी शायद अब तक किसी और पक्षी की ऐसी थैली नुमा चोंच नहीं देखी होगी। ये अपनी इस थैली में अपने शिकार को तो कैद करता ही है, लेकिन इसके अलावा ये बारिश का पानी कैच करने के लिए भी इस चोंच का इस्तेमाल करता है। वैसे शिकार को निगलना इसके लिए भी आसान नहीं होता, लेकिन आपको बता दें कि इनकी चोंच के अंदर भी एक छोटी और मजबूत जीव होती है जिसकी सहायता से ये बड़े शिकार को भी निगल जाते हैं। शायद आपको ये बात थोड़ी हैरानी भरी लगे, लेकिन एक पेलिकन पक्षी अपनी इस चोंच में करीब 10 लीटर पानी तक भी स्टोर करने में माहिर होता है। इन पेलिकन पक्षियों की चोंच से आमतौर पर तो किसी भी शिकार का निकल पाना या इसकी चोंच को नुकसान पहुंचा पाना आसान नहीं होता, लेकिन इस दुनिया में एक जीव ऐसा भी है जो इनकी मजबूत चोंच को भी नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल इस जानवर का नाम है कछुआ। अब शायद आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर कछुआ कैसे, तो आपको बता दें कि आमतौर पर पेलिकन जिन जीवों को अपना शिकार बनाता है उनका शरीर नाजुक होता है, लेकिन वहीं आप कछुए को देखें तो इसका कवच इतना मजबूत होता है कि पेलिकन इसे तोड़ नहीं पाते और ना ही निगल पाते हैं। इसके अलावा कछुए के कारण पेलिकन की थैली में छेद तक हो जाता है। जैसे आप इस पेलिकन को देखिए जिसकी चोंच पूरी तरह से कई छेदों से भरी पड़ी है, हालांकि इसके बावजूद भी वो बाज नहीं आ रहा और एक कछुए से लड़ाई करने में लगा हुआ है। वो उस कछुए को अपनी चोंच से पकड़ने और उसे चोट पहुंचाने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन अब बारी कछुए की आती है और वो भी पेलिकन की पकड़ से आजाद होकर अब उस पर ही हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। कछुए को ऐसे आते देख पेलिकन भी सतर्क हो जाता है और तुरंत ही वहां से भागकर अपनी जान बचाने में लग जाता है। वैसे आपको बता दें कि अगर एक बार पेलिकन की इस थैली में छेद हो जाता है तो फिर वो शिकार पकड़ने की लायक भी नहीं रहता, क्योंकि ये थैली ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जब किसी पेलिकन की थैली फट जाए इसका मतलब है कि वो अपनी मौत के काफी करीब पहुंच चुका है। इन शिकारी पक्षियों के हमलों से लेकर इनके शरीर के आकार के बारे में तो हम जान चुके, लेकिन अब भी इससे जुड़ी कई ऐसी जानकारियां हैं जो बेहद दिलचस्प साबित होती हैं। जैसे कि नर पेलिकन के शरीर का आकार और वजन जहां मादा पेलिकन के मुकाबले बड़ा होता है, तो वहीं चोंच की लंबाई के मामले में भी नर मादा से एक कदम आगे होते हैं। वहीं इन पेलिकन की एक और बड़ी खासियत है कि ये केवल दिन के समय ही शिकार के लिए निकलता है। इन पेलिकन को तटीय इलाकों के पास ही रहना ज्यादा पसंद होता है और इसके चलते ही ये अपने लिए ऐसे पेड़ों का चयन करते हैं जो पानी के पास में हो। वैसे ज्यादातर पेलिकन पेड़ों पर ही अपना घोंसला बनाते हैं, मगर इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो जमीन पर घोंसला बनाकर रहना पसंद करते हैं। हालांकि ये चाहे जमीन पर रहे या पेड़ों पर, लेकिन हमेशा झुंड में रहते हैं। दरअसल इसकी दो वजहें हैं। पहली तो ये कि झुंड में रहने के कारण इन्हें दूसरे जानवरों से खतरा भी कम हो जाता है, और दूसरी वजह ये है कि ये पक्षी हमेशा झुंड में उड़ते हैं। यही नहीं, जब ये साथ में उड़ान भरते हैं तो इन्हें देखना भी काफी आकर्षक लगता है।
तो दोस्तों, आपको पेलिकन पक्षी के बारे में ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ में जाते जाते बेल आइकॉन भी दबाते जाइए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो जल्दी मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।